वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम कैसे अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं, कैसे नेचुरल तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी टिप्स शेयर करनी चाहूंगी कि हेयर टिप्स जो है हमारी, तो उसमें मैं बताना चाहूंगी। आप लोगों ने जैसे सुना होगा नारियल पानी के बारे में, जैसे कोकोनट वाटर जैसे मार्केट में मिलता है, जैसे आई थिंक वो 30-40 रुपए के आसपास का मिलता होगा। जब भी आप मार्केट जाते हैं या परचेस करते हैं, आपको क्या करना है अपने बालों के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो है सभी सारे विटामिन्स उसके अंदर होते हैं, सारे मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे जो खाने से नहीं मिल पाता है, हमारे बॉडी पे जो है कुछ भी हम पैक लगाते हैं मास्क लगाते हैं उससे नहीं मिल पाता है। आपको क्या करना है, जिनके बहुत ज्यादा व्हाइट हेयर्स होते हैं, आपको क्या करना है, नारियल पानी लेके आना है घर पे। आपको एक गिलास नारियल पानी लेना है, अगर जितना भी वो निकलता है, और उसको आपको उतनी ही मात्रा में पानी ऐड करना है, दोनों को मिक्स करना है और अपने बालों पे जो है अच्छे से लगा देना है। जैसे आप बाल धोते हैं, अब उसको लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जब वो ड्राई हो जाता है 15 से 20-25 मिनट के बाद अगर ड्राई हो जाता है, आप उसको जो है नॉर्मल वाटर से जो है वॉश कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जो जो रोंग छिद्र है उसमें जाके आपके बालों में जो अंदर जाके आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएगी, विटामिन्स उसमें मिलेगी, मिनरल्स उसमें मिलेगी, जिससे कि आपके बाल जो बहुत ज्यादा सिल्की एंड शाइनिंग तो होंगे, और साथ के साथ आपके बालों में जो है बहुत ज्यादा जो है चमक आनी स्टार्ट हो जाएगी, साथ के साथ आपके बाल जो है व्हाइट हेयर जो है कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको अगर हफ्ते में 2 बार इसको यूज करते हैं तो आप देखना कि आपके बाल जो बहुत ज्यादा घने भी होना शुरू हो जाएंगे, और काफी जगह मैंने ये सुना है कि काफी जो गंजापन होता है वो वहां पर से जो है उनमें, जैसे अब कहते हैं ना कि पौधों में हम कोई खाद डालते हैं पानी डालते हैं तो वो पौधा खिल जाता है, बस उसी तरह से हमें अपने बालों की भी इसी तरीके से केयर करनी होगी। चलिए आप लोगों को आज की टिप्स जो है अच्छी लगी होगी, अगर इसको जरूर अपनाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं बताऊंगी हम अपने सफेद बालों को ऐसा क्या करें कि जो काला हो जाए वो भी परमानेंट के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर हाँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को वीडियो देखते देखते अच्छी लग जाए, किसी भी एंगल में अच्छी लग जाए, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर का है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, साथ के साथ एक छोटी सी घंटी बनी हुई है बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो है सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है, इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, ना आपको इंडिगो पाउडर चाहिए होगा, ना आपको इसमें मेथी दाना चाहिए, ना आपको कलौंजी चाहिए, ना आपको काला कत्था आपको यूज़ करना होगा, और ना ही आपको इसमें मेहंदी चाहिए होगी। आज जो मैं आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से जो है अपने बालों को जो है नेचुरल तरीके से काला करने वाली हूँ। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक आप लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, अगर आपके पास नारियल तेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, या सरसों का तेल है नॉर्मली सभी के घर पे अवेलेबल होगा। यहाँ मैं जो है सरसों तेल ऐड कर रही हूँ, आप इसकी क्वांटिटी जो है एक गिलास के बराबर या आधा हाफ गिलास ले सकते हैं, ये आपके बालों के अकॉर्डिंग पर डिपेंड करता है, और आप जो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है सरसों का तेल ले लिया है, अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, बट आपको जो है आंवला पाउडर लेना है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं, मुश्किल से ये 50 से 100 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, यहाँ मैं ले रही हूँ आंवला पाउडर, ये बहुत ही अच्छा नेचुरल है, प्योर है और ऑर्गेनिक है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं जो है इसके जो है 2 से 3 बड़े चम्मच लेने वाली हूँ, और ये बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है, और इस तरीके से हम अपने बालों को काला करेंगे। और इसके अंदर हमें जो है एक, मैंने इसमें जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है आंवला पाउडर ले रही हूँ, ये हमें डालना है। आप ये देख सकते हैं मेरे जो है स्पून का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, इसमें जो है 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है। हमें इसको जो है कोई रोस्ट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट जो है सरसों के तेल में ऐड करना है, आप इसमें जो है नारियल तेल को भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के अब जैसे क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं विटामिन, आपको कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा, आपको सिर्फ नारियल तेल या सरसों के तेल में आंवला पाउडर को अच्छे से इसको पकाना है, जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको अपने बालों पे नेचुरल तरीके से लगाइए, और आप इसको जो है बिना डाई के जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, और ये बिल्कुल झटपट और फटाफट आपके बालों पर लग जाएगा, और आपको हो सकता है दोबारा आपको कभी भी जो है दोबारा डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये इसी तरीके से ये हमारा तैयार हो जाएगा, गैस को आपको ऑफ कर देना है, और ये जब तक ठंडा ना हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा हिलाते रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जल ना जाए, स्मेल ना आ जाए। बस देखिए आप, इसका जो है रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, और ये ठंडा हो जाएगा। मैं इसका कलर आपको दिखाना चाहूँगी, बिल्कुल डाई की तरह है, और मगर इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं होगा ये आपके बालों के लिए, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए नेचुरल है।
ये देख सकते हैं आप इसका कलर कितना ब्लैक हो चुका है। इस तरीके से आपको इसको लगाना है अपने बालों पे। मैं आपको एक्चुअली आपको इस चम्मच से अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं आपको जो है एक वाइट स्पून से दिखाती हूँ। आप अब तब इसको आपको जो अच्छे से पता लग पाएगा कि ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसमें कलर कॉम्बिनेशन कि कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। बट थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है, जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक आप इसे मत यूज़ कीजिएगा। और आप इसको जो है किसी भी ग्लास कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। और ये आपके जो है बिल्कुल डाई जैसी, मार्केट की तरह डाई, बट ये बिना केमिकल की, विदाउट केमिकल की। इससे जो है आपके नेचुरल तरीके से बाल जो है काले हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी जगह अगर हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब का चैनल मैंने अभी आपको पहले भी बताया, सब्सक्राइब नीचे आप इसको जो है प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसको वॉच कर सके। बाय, टेक केयर।